महंगी गाड़ियां, महंगी खड़ियां, पांच राज्यों में कारोबार, हजारों करोड़ की संपत्ति, ये अतीत के काले साम्राज्य का महज एक छोटा हिस्सा है। रियल एस्टेट के अलावा अतीक अपना पैसा कहां लगाता था? वसूली, कब्जे और दूसरे अवैध कामों के जरिए कमाई करोड़ों की संपत्ति को मैनेज करने के लिए अतीक अहमद ने बाकायदा एक नेटवर्क बनाया था। अतीक के काले साम्राज्य की जांच कर रही एसटीएफ की टीम अब इस नेटवर्क के हर तार को बेपर्दा कर रही है। हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजने वाले अतीक के रिश्ते सट्टा कारोबारियों से भी थे। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा अतीक सट्टेबाजी में लगाता था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की जांच में अतीक के सट्टेबाजी कनेक्शन के सबूत मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि अतीक ने अवैध कमाई के करोड़ रुपए सट्टेबाजी में लगाए थे। पांच सट्टा कारोबारियों से अतीक के करीबी रिश्ते थे। पुलिस के रडार पर अब वो पांच सट्टा कारोबारी हैं जिनके अतीक से करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। पुलिस इन सट्टा कारोबारियों के बारे में विस्तार से जानकारी जुटा रही है। पुलिस ये जानकारी जुटा रही है कि अतीक का कितना पैसा सट्टेबाजी में लगा था और इस सट्टेबाजी से अतीक कैसे पैसे बना रहा था। पुलिस ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि कहीं अतीक के सट्टेबाजी वाले इस लिंक के तार हवाला नेटवर्क से तो नहीं जुड़े हुए हैं। इस बीच अतीक की बेनामी संपत्ति को लेकर और बड़ी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। अतीक की ससुराल से मिली डायरी से खुलासा हुआ है कि पांच राज्यों में अतीक का कारोबार और प्रॉपर्टी है। दिल्ली में भी अतीक की संपत्ति को लेकर हैरतअंगेज जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। ये संपत्तियां दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, बटला हाउस और साकेत जैसे इलाकों में हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की मदद से ये संपत्तियां खरीदी थी। दिल्ली में खरीदी गई अतीक की संपत्तियों की जानकारी सिर्फ उसके परिवार को थी। इन संपत्तियों से अतीक के परिवार को हर महीने लाखों रुपए का किराया मिलता था। एजेंसियां अब दिल्ली में अतीक की संपत्तियों की पूरी जानकारी डिटेल में खंगाल रही हैं। इस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि जिस नेता के जरिए अतीक ने दिल्ली में संपत्ति खरीदी थी, उस नेता के बेटों की अतीक के बेटों से अच्छी दोस्ती थी। अतीक के बेटों अली और उमर पर जब यूपी पुलिस का एक्शन हुआ था, तब दोनों ने दिल्ली में इसी नेता के घर पनाह ली थी। पुलिस अब ये पड़ताल कर रही है कि क्या असद को दिल्ली में अतीक के इन मददगारों ने शरण तो नहीं दी थी।